हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं अनबॉक्सिंग रिजन में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ नॉन वर्बल सीरीज, जो कि रीजनिंग में काफी ज्यादा आपको नॉन वर्बल सेक्शन में मिलती है, जो मोस्टली वो एग्जाम्स कवर करती है, जैसे कि आपका स्टेट लेवल व्यापम का एग्जाम हो जाए अगर एमपी की बात करें तो, इसके अलावा आपका एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, है ना। इनमें ये काफी हद तक पूछी जाती है, एमपीएसआई, यूपीएसआई, है ना, तो लगभग ही क्वेश्चन के वहां पे मिलते हैं। तो नॉन वर्बल की काफी इंपॉर्टेंट कड़ी है जिसको मैं आपको सामने लेके आया हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप इसको पसंद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज इस सेशन में मैं आपके सामने कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कवर करूं, और आज हम कवर करेंगे इसमें न्यूमेरिकल और लेटर सीरीज को। ठीक है, न्यूमेरिकल और लेटर सीरीज को कवर करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज और लेटर सीरीज कैसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन के आते हैं मैं कवर कर रहा हूं। चलने से पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो ये है, ये नाम जो मैं बता सकता हूँ आपको, रीजनिंग बाई शांतनु सर। ठीक है, यहां पर इसका नाम है रीजनिंग बाई शांतनु सर। ठीक है, आप इसको जुड़िए यहां पर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप वहां पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पा सकते हैं, क्विजेस आपको वहां पे मिलती हैं। ठीक है, रीजनिंग बाई शांतनु सर करके आपको ये टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है ये, जिसको आप टेलीग्राम पे सर्च करके उससे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे इस कहानी में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने मैं लेके आऊं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सीरीज कैसे आती है। सबसे पहले अगर आप अकॉर्डिंग टू वीडियो बताऊं मैं, तो मैं आपके सामने न्यूमेरिकल सीरीज डिस्कस करूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर आपको कौन सी सीरीज मिलती है, जो आपके सामने किस तरह के सीरीज आएंगे, जैसे यहाँ पे दिया 2, 3, 5, 7 सपोज। ठीक है ना, और आगे यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया। ठीक है, यहाँ 1 मान लेते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे। इसको करने के ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है, मैं आपको बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन ऐसे आपको मिलते हैं, ये मैथ्स में भी मिलते हैं आपको, तो इनको करने का सिर्फ एक ही तरीका याद रखिएगा, मोस्टली क्वेश्चन आपके उसी से सॉल्व हो जाएंगे। कौन सा? डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, कि आपको डिफरेंस लेके सारे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, और डिफरेंस में भी कैसे बेटा, कि आपको दो स्टेप जाना है। ठीक है, एक फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। कैसे डिफरेंस? जैसे सपोज मान लेते हैं यहां से इसका मैं डिफरेंस लेता हूं, कितने का आ जाता है? 2 का। ठीक है, यहां भी डिफरेंस लिया, 2 का आ गया, यहां भी आ गया 2 का। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि फर्स्ट स्टेप में ही, यानी कि पहला स्टेप अगर मैं लेके चलता हूं तो फर्स्ट स्टेप में ही डिफरेंस हमको समझ में आ गया। तो अगर फर्स्ट स्टेप से आएगा तो बात वहीं पे क्लियर हो जाएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टेप में चीजें क्लियर नहीं होती, तो आप तुरंत इससे एक स्टेप और नीचे चले जाइए। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि यहां पे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के आपको मोस्टली इसमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप से लेके चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर की डिफरेंस के अलावा भी चीजें जोड़ देता है, कि डिफरेंस तो होगा लेकिन साथ ही साथ चीजें आपकी और इसमें जुड़ती रहेंगी। तो वो कैसे चीजें जुड़ेंगी, तो ध्यान रखिएगा यहां पर पूरा खेल मैथमेटिकल ऑपरेशन से होगा। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से यहां पे कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्लस भी आपको करना पड़ सकता है, माइनस भी करना पड़ सकता है, इंटू, डिवाइड, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, ये पूरी जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे फॉलो करने ही पड़ सकती है। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन सपोज आ गया यहाँ पे 1 है, ठीक है, अब यहाँ पे सपोज दे दिया गया 3, ठीक है, अब उसके बाद यहां दे दिया गया 11 सपोज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस अगर लेते हैं आप, यहाँ पे डिफरेंस आपको 2 का दिख रहा, यहाँ पे डिफरेंस आप ले रहे हैं तो आपको यहाँ कितने का दिख रहा, 8 का डिफरेंस दिख रहा, 8 का। ठीक है, अब ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि यहाँ पे इससे क्या होगा, अगर एक स्टेप और जाते हैं तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस, हालांकि आगे भी इसमें सीरीज मैंने नहीं बनाई है, तो अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। तो अगर ये डिफरेंस वाला कंसेप्ट फेल हो जाए तो हो सकता है डिफरेंस के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी फॉलो हो, तो ऐसा हो सकता है यहां पे ये लॉजिक लग सकता है। कैसा लॉजिक? कि ये देखिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, सेम ऐसी यहां पे हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, कुल मिला जुला के देखो प्लस टू यहाँ पे हो रहा है स्क्वायर के साथ, तो ये अपने आप में क्या हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन को इंक्लूड करके अप्लाई कर दिया गया। तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखें
तो सबसे पहले क्या सॉल्व करने की कोशिश करें, डिफरेंस लेके करें। डिफरेंस में भी अगर एक स्टेप से ना बने तो आप सेकेंड स्टेप जाने की जरूर कोशिश करें। अगर इन दोनों से भी नहीं बनता, मतलब कि डिफरेंस के साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यहां पे फॉलो होने के पूरे आसार है। ठीक है भाई, चलिए जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इनके क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन, अब आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मेरे सामने जब क्वेश्चन आया तो मुझे यहां पे बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल लॉजिक ही नहीं क्लियर यहां पे हो पा रहा मेरे लिए कि यहां पे मैं क्या आंसर लगाऊं। ठीक है, यहां पे क्या आंसर हो सकता है, तो मैं सिंपल इसमें क्या चलूंगा, डिफरेंस पे चलूंगा। ठीक है ना, तो मैं 0 से 6 पहले चलूंगा इनका डिफरेंस। मुझे नहीं पता इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, लेकिन एक बात सही है, ये नंबर्स जो है वो बढ़ते हैं, बढ़ते क्रम में दिख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है ना, ये बढ़ते हुए क्रम में आपको नंबर्स दिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब कहीं ना कहीं नंबर को बढ़ाया गया। तो बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, माइनस तो नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, तो मतलब डिफरेंस लेके बहुत ज्यादा हुआ अगर डिफरेंस के साथ साथ, तो प्लस हो सकता है या फिर इनटू हो सकता है, मे बी स्क्वायर हो जाए, क्यूब नहीं हुआ क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स नहीं है। फिलहाल इनका डिफरेंस लेंगे तो यहां पे इसका डिफरेंस मुझे 6 दिख रहा, इसका डिफरेंस 18 दिख रहा, इसका डिफरेंस मुझे दिख रहा है 36, यहां पे जो डिफरेंस दिख रहा है वो 60 का दिख रहा, और यहां पे जो डिफरेंस दिख रहा है वो दिख रहा है आपका 90 का। तो अगला डिफरेंस जो होगा वही आपका आंसर डिसाइड कर देगा। अब यहां पे मुझे फर्स्ट स्टेप से एग्जैक्टली कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, एक स्टेप और नीचे चलता हूं, एक स्टेप और नीचे चलूंगा तो मुझे यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहां पे डिफरेंस जो है वो कितने का बेटा है, 12 का। इसमें जाऊं तो इसमें डिफरेंस दिख रहा है 18 का, इसमें दिखाऊं तो इसमें 24 का, इसमें देखूं तो इसमें 30 का। अब यहां पे पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो गई है। कैसे क्लियर हो गई सर, कि यहां पे 6-6 के डिफरेंस पे क्वेश्चन को अरेंज किया गया, यानी यहां पे और ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते आप। डिफरेंस का फर्स्ट और सेकंड स्टेज यानी फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप से क्वेश्चन बन गया, तो अगला जो होगा वो भी यहां पे प्लस 6 होगा, और प्लस 6 का मतलब यहां पे हो जाना चाहिए कितना, 36। और अगर 36 को इसमें हम ऐड करें तो मुझे क्या मिल जाता है बेटा, मुझे मिलता है 126, और 126 ऐड करूं मैं 210 में तो आई गॉट 336। मुझे क्या मिलता है यहां पे, 336 मिल जाता है, और 336 जो है वो ऑप्शन में हमको कहां दिख रहा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल और आसानी से आपने इसका आंसर निकाल लिया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। समझ में आई बात आपको, कैसे किया मैंने। ठीक है, तो बस इसी लॉजिक के लेके आप क्वेश्चन को करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। यहां पे आप देखो ये नंबर काफी बड़ा, ये नंबर काफी बड़ा है, और आप आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे देखो ये नंबर ये छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, नंबर ये कहीं ना कहीं छोटे हो जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो। यहां पे डिफरेंस लेने वाली गलती मत करना, क्योंकि इनका डिफरेंस बहुत बड़े नंबर में आएगा, इतने बड़े नंबर में डिफरेंस नहीं, क्योंकि देखो इनके में एक एक डिजिट्स कम होती जा रही है, और कम होती जा रही मतलब एक बहुत बड़े अमाउंट में डिफरेंस है। तो इसका मतलब यहां पे कुछ जो लॉजिक हुआ है बेटा वो कुछ दूसरा लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो बहुत ध्यान से देखने पे आपको पता चल रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, ये जो 5 है वो जब यहां से यहां आ रहा तो गायब हो जा रहा, और देखो बाकी सब एज इट इज उतारा गया, जो रिमेनिंग इसमें बच गया। अब यहां से जब यहां आ रहा, देखो इसमें क्या गायब हो गया बेटा, 5 को गायब किया गया। इसमें देखो 8 तो मौजूद है फर्स्ट वाले में, लेकिन लास्ट में देखो 7 जो है वो यहां नहीं है, यानी कि यहां से क्या गायब किया गया, लास्ट वाले को, 7 को हटा दिया गया। ठीक है, 7 को हटाया गया, मतलब कि इसमें फर्स्ट वाले को हटाया गया और बाकी सब लिखा गया। यहां से जब यहां गए हुआ तो किसको हटाया गया बेटा, लास्ट वाले को हटाया गया, बाकी सब लिख दिया गया। अब यहां से जब यहां आते हैं तो फिर से क्या किया गया बेटा, फिर से देखो यहां से ये 8 को हटा दिया गया, यानी कि फिर से, यानी कि अगर मैं फाइनल कंक्लूजन पे जाऊं तो पहले फर्स्ट को हटाया, फर्स्ट नंबर को, फिर लास्ट को, फिर फर्स्ट को, तो अगला क्या आएगा, फिर से लास्ट को। तो यानी कि यहां पे ये जो नंबर बचा है इसमें कि लास्ट वाला 3 जो है वो हट जाएगा, तो आई थिंक हमें क्या मिलेगा, आई थिंक यहां पे क्या मिलेगा, 9, 6, 5, 4 और 2। ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट को हटाते चल रहे हैं यहां पे, जब फर्स्ट और लास्ट को हटाते चलेंगे। देखिए यहां पे इसने क्या किया, यहां पर जब
8 से यहां पे आया है तो फर्स्ट वाले को हटा दिया, इस 8 को हटाया है, ठीक है, 8 को हटा दिया, तो जब यहां से यहां जाएगा तो लास्ट वाले को हटाएगा, तो स्टार्ट किससे होगा बेटा, 9 से ही होगा, लास्ट में क्या हट जाएगा 3, तो क्या बचेगा 96542, जो कि ऑप्शन कौन सा हमारा सेकेंड है। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन जो दिखने में काफी बड़े हो ना, वो आसान होते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश बस आपको करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं जरा सा। सर यहाँ पे भी डिफरेंस नंबर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, डिफरेंस लेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस लेके कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा 5 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा 20 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा बेटा, यहाँ काफी बड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस है 80 का, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा, यहाँ पे आ रहा आपका डिफरेंस 320 का। तो अगला डिफरेंस क्या होगा जरा देखो, अभी नहीं को देखो नंबर बढ़ते दिख रहे हैं कैसे, अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो क्या हो रहा है इंटू 4 हो रहा, यहां से यहां जा रहा हूं तो ये भी क्या हो रहा है इंटू 4, यहां से यहां जा रहा हूं तो भी इंटू 4 हो रहा, इसका मतलब यहां से यहां भी क्या होगा इंटू 4 का ही लॉजिक चलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 320 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो मुझे मिलता है कितना बेटा, 4 0 0, 4 2 8 और 4 3 12, 1280 मिलेगा। अब उसको जब इसमें ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा 1707, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो जो क्वेश्चन का लेवल होता है, ठीक है, चाहे वो एसएससी की बात करें, व्यापम के किसी एग्जाम की बात करें, वो बहुत लेंदी नहीं होता। हाँ बैंकिंग में अगर आप मैथ्स की बात करते हैं, बैंकिंग में तो खैर रीजनिंग में नहीं पूछा जाता, ये मैथ्स में पूछा जाता है, लेकिन वहां पे भी लेवल ऐसा होता है कि मोस्टली क्वेश्चन डिफरेंस पे बनते हैं, डिफरेंस के साथ साथ आप मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो वो बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए जरा, अगला क्वेश्चन ये है, कुछ ये नंबर्स दिए गए और आप ध्यान से देखो, ये नंबर्स अपने आप में कुछ एक फॉर्म डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 100 है, यहाँ 1000, यहाँ 1000 है, वही है, बस थोड़ा सा नंबर क्या हो रहा है बढ़ता चला जा रहा है, जीरो बढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन शुरू की कहानी समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे शुरू की कहानी समझ में नहीं आ रही है। तो अगर मैं लास्ट से इसको लेके चलूं, जब शुरू से नहीं समझ में आया तो लास्ट में आ जाओ, जब यहां से यहां आ रहे हैं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा, यहां से यहां आ रहे हैं तो देखो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1000 और 10,000 है, तो 1000 को 10,000 में कैसे बदल सकते हो आप, इंटू 10 कर सकते हो और प्लस 1 इसमें ऐड कर सकते हो, ये लॉजिक यहां लगता दिख रहा मुझे, इंटू 10 प्लस 1 मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ डिफरेंस लेके चल रहे हैं, इसमें आ जाओ, जब यहां से यहां आ रहे तो आप क्या दिख रहा, सिर्फ माइनस 1 दिख रहा, ठीक है। अब यहां से जब यहां आ रहे हो तो आपको क्या दिख रहा, ये 1000 है, 1000 था और ये 100 है, तो 100 में इंटू 10 करेंगे तभी 1000 पहुंचेंगे और प्लस 1, यानी ऑल्टरनेट ये वाला सीक्वेंस चला, तो इसका ये जो पैटर्न है ना माइनस वाला यहां आएगा, ठीक है, यहां पे माइनस 1 आएगा, तो इसका मतलब यहां पे क्या रहा होगा 101 रहा होगा, तभी तो ये माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 100 आ जाएगा, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। सेम ऐसे यहां देखो, यहां से यहां जब आप गए हो तो क्या आएगा इंटू 10 प्लस 1, और यहां से यहां जब गए हो तो आपको क्या आया है माइनस 1, समझ में आई बात आपको। तो बस यही है, डिफरेंस लेके चलना है और बहुत मैक्सिमम होगा तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका यहां पे फॉलो होता दिखाई देगा, समझ में आई बात आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने जो है वो ये है कि 1389136, तो इसमें भी अगर डिफरेंस टू में तो क्या दिख रहा है 2, ये हो जाएगा आपका 5, ये डिफरेंस कितने का हो रहा बेटा, ये हो रहा तुम्हारा 11 का, ठीक है, और ये जो डिफरेंस हो रहा है वो तुम्हारा हो रहा है कितने का 17 का। तो अगला क्या होगा, अब ये डिफरेंस को समझ में आ रहा ध्यान से, एक स्टेप अगर आप नीचे और जाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है यहां पे 3, यहां पे आप दिखाई जाते हो तो यहां पे आपको क्या दिखाता है 6, यहां पे डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है बेटा, यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है 6 का, ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा यहां पे, इसका मतलब सेकंड स्टेप तक जाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट स्टेप में ही कुछ ना कुछ लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको। और बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या ये जितने भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या है बेटा, प्राइम नंबर, क्या है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर क्या होता है सबसे पहले बताओ, प्राइम नंबर वो होता है जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर वन और इटसेल्फ, ठीक है, या तो खुद से होगा डिवाइड या तो एक से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन अब ध्यान से देखो तो यहां पे प्राइम नंबर में भी एक बहुत ही अच्छी बात छिपी हुई दिख रही है, क्या
इनमें दो के बाद अगला प्राइम नंबर कौन आएगा, तीन आएगा, तीन गायब है। फाइव और इलेवन के बीच में अगला प्राइम नंबर सेवन गायब है। इलेवन और सेवनटीन के बीच में एक ही प्राइम नंबर है कौन, थर्टीन गायब है। तो सेवनटीन के बाद एक प्राइम नंबर अगला वाला छोड़ेंगे तो अगला प्राइम नंबर कौन है बेटा, नाइनटीन है। और नाइनटीन के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, ट्वेंटी थ्री आएगा। इसका मतलब कि प्राइम नंबर ही ऑल्टरनेट फॉर्म में लिखा गया, ठीक है, ऑल्टरनेट फॉर्म में प्राइम नंबर को लिखा गया है। तो बस 17, अभी 36 है, 36 में आपको 23 ऐड करना है और 23 आप ऐड करते हैं तो क्या क्या मिल जाएगा आपको, 59 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, सी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 59। समझ में आई बात आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा चीजों को और प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आप रिस्पॉन्स करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में फिर से वही डिफरेंस लेंगे, मुझे कुछ नहीं आता मैं सिर्फ डिफरेंस बताऊंगा। तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है बेटा, यहां पे इसको -4 कह सकते हैं, यहां पे अगर देखा जाए तो -0, यहां पे +2, यहां पे +6, यहां पे +18। कोई लॉजिक दिख रहा है इसमें, हालांकि यहां पे ये दिख रहा है कि (n(3)(n(3), तो क्या यहां पे (n(3) आएगा, 18 3 54, और फिर उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर 84 आएगा अगर इस हिसाब से देखें तो, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये पैटर्न तो यहां पे फॉलो होता नहीं दिख रहा, लेकिन एक बात बताओ, इस पैटर्न को ध्यान से देखो तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। देखो प्लस माइनस से तो डायरेक्टली नहीं आया, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं (n(2.5) लिख सकते हैं, ठीक है, (n(2.5)(n(1), इसमें देखो (n(2)(1.5) को, समझ में आया बेटा, (n(2)(2.5)(0.5) इंक्रीज हो रहा है (n(2)(2.5), और यहां पे होगा (n(2)(3). अब (n(2)(3) करेंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा बेटा, 90 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, लास्ट वाला। समझ में आई बात, कैसे लॉजिक लगा इसमें। तो डिफरेंस के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस माइनस इंटू डिवाइड, देखो यहां पे प्लस माइनस करके देखा तो नहीं बना, तो इंटू मिला और इंटू से चीजें बनती चली गई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा सा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पॉइंट में दिया गया बेटा, तो अगर डिफरेंस लू इसका मैं, इसका डिफरेंस आ रहा है कितना, 13.6 आएगा। ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आपका आ जाएगा 27.2 आ जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस कितना आ रहा, ये आ रहा बेटा आपका, अच्छा जी एक चीज आप ध्यान देखो, 54.4 ध्यान से देखो, तो यही नंबर जो है वो क्या हो गया, डबल हो गया, फिर से यही नंबर क्या हो गया, डबल हो गया, तो जो अगला होगा ठीक है वो क्या होगा, इसी का डबल नंबर होना चाहिए। इसी का डबल अगर करते हैं ठीक है, इसी का अगर मैं डबल करता हूं बेटा तो मुझे क्या मिलता है, ठीक है इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख रहा हूं, देखो यहां से, हाँ जी, तो 54 × 4 तो यहां पे क्या डबल हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा 8.42 × 8 (5, 4, 10) 108.8 आएगा, ठीक है 108.8, ठीक है 108.8। अब इसको इसमें ऐड करें, इसमें ऐड करते ही मुझे क्या मिलता है, 206.2 मिल जाएगा, और 206.2 कहां पे आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आ जाएगा। तो मोस्टली जो क्वेश्चन है ना वो इस तरह से आप सॉल्व कर लेते हैं, वो इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हो सकता है परेशान कर दें, तो एक्सेप्शंस की बात छोड़ो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें ऐसे ही करना होता है। इसमें फिर से देखो, अगर ये क्वेश्चन मार्क बीच में आ जाए तो आप पीछे से चेक करो, जो इक्वेंस यहां पे ये इक्वेशन दिया गया है ना, एक सिक्वेंस में दिया गया, तो आप उसको लेके चलो, यहां से देखते हैं, यहां से आप इनका डिफरेंस लेके देखो, तो अगर इसका डिफरेंस लेके चलू मैं तो कितना डिफरेंस आ रहा बेटा, 4503 अगर ले लें इसको तो 503 और 404 ये 99 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि -99। 503 से अगर -99 करोगे तभी तो इतना आएगा, ये कितना आ रहा बेटा, ये आ रहा आपका 77, वो भी माइनस में। यहां से यहां पे आप देखो तो कितना आ रहा बेटा, 55 आ रहा, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, 99, 77 का डिफरेंस है, 55 का डिफरेंस है, तो ये 11 के टेबल में आता है बेटा, 11 9 जा 11 7 जा
इलेवन फाइव जा, तो इसका मतलब कि यहां से जो ये होगा इलेवन फाइव में से और जाओ तो इंटू थ्री होगा, 33 होना चाहिए। और 33 अगर मैं इस नंबर से आगे जाऊं, यानी कि 635 में अगर आपको कह रहे 33 ऐड कर दो, तो यहां पे आपको क्या मिलता है, 668 मिल जाता है। यानी कि यहां पर ऑप्शन में भी ये चीज मौजूद है 668, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दैट इज 668 हो जाएगा। अब इसके बाद यहां से यहां जाएंगे तो 11 इंटू 11 हो जाएगा, यानी कि कितना 11, 11 पीछे जाने पे आपको यहां से 11 घटाने पे ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लॉजिक यहां पे आ गया। तो अगर बीच में कहीं आपका ये चीज हो तो आप हमेशा जहां पे 2-3 का सीक्वेंस मिल रहा वहीं से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका आंसर आता दिखाई देगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन जो होगा वो लेटर सीरीज पर बेस्ड है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है बेटा, लेटर सीरीज पे बेस्ड है कि लेटर सीरीज आपकी कैसी आएगी, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये आपका एसएससी, ठीक है, रेलवेज, इसके अलावा अगर आप एमपी की बात करें तो व्यापम, ठीक है, यूपी टेट, ठीक है, सी टेट, इन एग्जाम्स में तय होते हैं। एसआई, चाहे वो एमपीएसआई हो या फिर यूपी हो, ठीक है। इसके अलावा आपका दिल्ली पुलिस का है, ठीक है, एटसेट्रा, इन एग्जाम्स में ये 100% आते ही आते हैं, तय हैं, आते ही आते हैं क्वेश्चंस के, तो जरा ध्यान रखना। और लेवल इससे ज्यादा नहीं होता, लेवल आपका उतना ही रहता है, रीजनिंग की बात करूं, जो आप क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है। लेटर सीरीज की बात करें तो यहां पे देखो ये पूरे के पूरे लेटर्स जो है ना वो अपनी प्लेस वैल्यू पर ही डिपेंड करते हैं, प्लेस वैल्यू पर। जिसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ईजोटी का, ठीक है, जो 5-5 के मल्टीपल में आता है बेटा, इससे आपको काफी हद तक हेल्प मिलती है प्लेस वैल्यूज याद करने की। पूरा जो खेल है वो यहीं पे, ये देखो यहां पर ए है और यहां पे डी है, फिर से यहां पे भी डिफरेंस मेथड लेके चलेंगे। आपको पता होगा ए कितने पे आता है, 1 पे, डी आता है 4 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है आपका 16 पे। और आप ध्यान से देखो कि ये कहीं ना कहीं जो नीचे के नंबर्स हैं, ठीक है, यहां पर ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको मैं एक बार हटाता हूं थोड़ा सा, 1, 4, 9, 16, ये किसी न किसी का स्क्वायर दिख रहा है आपको। किसका स्क्वायर दिख रहा है बेटा, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है किसका, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगला आएगा 5 का स्क्वायर, 25, यानी 25 पे कौन आता है बेटा, आपका आ जाता है y। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, तो हमेशा एक दूसरे से रिलेट करके आपको करना है। एक दूसरे से रिलेट कैसे, ये देखो यहां से अगर देखो बी से डी देखें तो यहां पे क्या दिख रहा है, प्लस 2 कह रहे हैं, बी सी डी है ना, डी से एफ करें तो प्लस 2, एफ से एच करें तो प्लस 2, तो एच से अगला आएगा तो प्लस 2 होगा, एच के बाद आई, आई के बाद जे, यानी बीच वाला लेटर कौन होगा, जे। और अगर बीच वाला लेटर इसमें जे होगा तो सेकेंड ऑप्शन कैंसिल हो गया, थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो फोर्थ और फर्स्ट में इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट से मत चेक करो क्योंकि फर्स्ट दोनों का सेम है, लास्ट वाला चेक करो मिल जाएगा। डी ई एफ यहां भी प्लस 2 चल रहा है, एफ जी एच यहां भी प्लस 2 चल रहा है, एच आई जे प्लस 2, तो जे के यहां पे लास्ट में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और जैसे ही एल हुआ इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट यानी कि आई जे एल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आई जे एल, ठीक है ना। समझ में आई बात कैसे करेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं बेटा ये, जिनको आप आसानी से कर पाते हो। इसमें देखो क्या लॉजिक लग रहा, ए बी सी सी डी ई ई एफ जी जी एच आई, स्टार्ट विद आई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है वही तो नहीं हो गया, नहीं अलग है। अब इसमें देखो बी सी डी डी ई एफ एफ जी एच, ये भी वही लॉजिक चल रहा है बेटा, प्लस टू का लॉजिक चल रहा, एच आई जे, ठीक है। और लास्ट में देखो Z, ठीक है, Z से X, X से V, V से T। अब यहां पे आप ऐसे भी लगा लॉजिक लगा सकते हो कि Z से X जाएं तो माइनस 2 हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, माइनस 2 हो रहा है, ठीक है। X से अगर V जाते हैं तो माइनस 2 हो रहा है, तो माइनस टू लास्ट वाले में चल रहा है बेटा, ऐसे भी हो सकता है। और यहां पर एक लॉजिक और भी लग सकता है, क्या, ये देखो कि जो ए है उसका ऑपोजिट क्या है, जेड, सी का ऑपोजिट क्या है, एक्स,
एबीसीडी में ई का ऑपोजिट क्या है, वी, और जी का ऑपोजिट क्या है, टी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आई है उसका ऑपोजिट क्या होगा, आर हो जाएगा। समझ में मतलब आपको, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आई जे आर, ठीक है, आई जे आर इसका आंसर हो जाएगा। और आई जे आर हमको कहाँ दिखाई दे रहा बेटा, आई जे आर हमको दिखाई दे रहा लास्ट वाले। तो आपको प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। मैं जब कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक लेके आऊंगा इसको याद करने की, ठीक है। अभी तो आप बस इसको समझिए कि कैसे करना है। प्लेस वैल्यू की तो मैंने आपको अभी बता दी, ई जो टी, ठीक है, पांच पांच के मल्टीपल पे ये होता है बेटा, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा ऑपोजिट वैल्यू की बहुत सारी ट्रिक है, मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आऊंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, कोडिंग रिकॉर्डिंग की वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी आप इसको याद कर लें तो बेस्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये देखो, जे के, के एल, एल एम, एम एन, तो एन के बाद डी तो लास्ट में आएगा नहीं, एन ओ आ सकता है, एम ओ नहीं आएगा, और एन पी, ठीक है, यानी यहां पे ये भी बन सकता है। अब बीच का देखो, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद फिर लास्ट में कौन आएगा, बीच वाला ई आना चाहिए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एन ई ओ। आसान सा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आपको आसानी से स्कोर दिला सकते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पे बनता दिखाई दे रहा है, इसका आंसर क्या आएगा देखो जरा, इसका आंसर क्या आएगा, तो बहुत ध्यान से देखो, तो आपको यहां पे क्या दिख रहा, इनका डिफरेंस ना देख पे, डिफरेंस नहीं लेना होगा यहां पे, डायरेक्टली आप देखो एबीसीडी में जो डब्ल्यू आता है वो कितने पे आता है बेटा, 23 पे आता है। प्लेस वैल्यू इसकी कितनी होती है, 23। तो 23 को क्या किया गया, आगे और पीछे लिख दिया गया। इसमें देखो एस आता है 19 पे, एस जो है वो 19 पे आता है, क्यू जो आता है वो 17 पे, याद रहेगा तो आप कर पाओगे, के जो है वो कितने पे आता है, 11 पे आ जाता है। लेकिन लेकिन अब यहां पर बीच में कौन सा आएगा, तो जरा देखो, आर तो 18 पे आता है, सही लिखा है, एम 13 पे आता है वो भी सही लिखा है, ओ 15 पे आता है वो भी सही लिखा, और 20 पे टी आता है वो भी सही लिखा। अब यहां पे क्या आएगा, तो अगर इनका डिफरेंस लेके चले तो W से S अगर जाए तो S के बाद T U V W, ठीक है, यानी तीन का यहां पे डिफरेंस है, Q के बाद R S दो का डिफरेंस है, अब दो के बाद फिर क्या एक का डिफरेंस आना चाहिए, तो Q के पहले क्या आना चाहिए, P, ठीक है, P आना चाहिए, जो कि P तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब यहां पे लॉजिक कुछ और लग रहा है, यहां पे लेटर्स के लॉजिक कुछ और लग रहे हैं, वो लॉजिक बड़े क्लियर हो गए हैं कैसे, ये देखो ध्यान से, पीछे से यहां से देखो, ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो कैसे हैं बेटा, प्राइम नंबर, 11, 17, 19 और 23, और याद रखना इसमें अल्टरनेट प्राइम नंबर यहां पे लिखे गए, अल्टरनेट नहीं सर, सिंपल प्राइम नंबर लिखे गए हैं। तो 11 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 13, 13 का मतलब 1 फर्स्ट में, लास्ट में 3, और बीच में 13 पे कौन आता है बेटा, एम आ जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 3, 1, M, 3 आ जाएगा, यानी यहां लॉजिक जो लगा है वो कौन सा लगा बेटा, प्राइम नंबर का लॉजिक लगा, ठीक है, प्राइम नंबर लिखे गए बड़े से छोटे में, अगर हम यह ऐसे जाए तो बड़े से छोटे में लिखेंगे, 23 हो गया, 19 हो गया, है ना, 17 हो गया, तो अगला क्या आएगा इसमें, 13 ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, ऐसी कहानी भी हो सकती है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इसका लॉजिक जरा पकड़िए आप लोग, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या लग सकता है यहाँ पे, ठीक है, देखिए जरा बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मुझे जरा जल्दी से बताइए, ठीक है, इस क्वेश्चन का लॉजिक आप मुझे बताएंगे, बल्कि काम करिए कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए, देखते हैं कितने लोग ये इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं, ये आपके लिए कह सकते हैं एक चैलेंज है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का, ठीक है, मैं अगली वीडियो में जरूर इसको एक बार बताऊंगा समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इसका लॉजिक मुझे आंसर इसका आप बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट बॉक्स में आंसर का। अगली क्लास फिर से हम एक नए सेशन के साथ आएंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और बेल आइकन को आपने प्रेस नहीं किया तो जरूर प्रेस करिएगा। अगली क्लास जो हमारी होने वाली है वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेके आऊंगा मैं, जिसमें मैं आपकी लगभग रीजनिंग के हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा धीरे धीरे करके,
ठीक है, नॉन वर्बल, वर्बल, एनालिटिकल, लॉजिकल, सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा अच्छे एग्जाम्पल के साथ में, अच्छे लॉजिक के साथ में। तो आप इसको जुड़िए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जो आपको मैं वीडियो बना के दूं कहीं ना कहीं आपको अपडेट होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। और अनबॉक्सिंग रीजनिंग को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।